सैनिकों के नए हीरो राजवर्धन सिंह राठौड़। जयपुर के शिप्रापत थाने में घटनाक्रम हुआ। दरअसल सेना के कमांडो को निर्वस्त्र कर मारपीट के थे पुलिस पर आरोप, और साथ ही सैनिक को अपराधियों के बीच बैठाने का आरोप भी था। ऐसे में खुद को एक सैनिक बताते हुए पुलिस ने धमकी दी और पुलिस को बताया सेना का बाप। इस पूरे घटनाक्रम से नाराज हुए सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस चीज की इत्तला लगते ही खुद थाने पहुंचे, और ऐसे में एसीपी से जबरदस्त नाराजगी उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर जाहिर की। कहा कि पुलिस के बेसिक मैनर्स तक आपने नहीं सीखे। राजवर्धन राठौड़ की नाराजगी के बाद बड़ी कार्रवाई अब हुई है। शिप्रापत थाने के सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है इस प्रकरण में। डीजीपी यूआर साहू के निर्देश के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर ने ये आदेश जारी किए। ये बड़ी खबर है, और कहीं ना कहीं तस्वीर के जरिए आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर सेना के उस गौरव का अपमान इस पूरे प्रकरण में होता हुआ जब देखा राजवर्धन सिंह राठौड़ ने, वो खुद को रोक नहीं पाए और इसमें आवाज उन्होंने अपनी बुलंद की इस पूरे प्रकरण पर। देखिए, बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है और पुलिस के पास किसी की सिफारिश करने आता है कि वो बेगुनाह है, तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिसकर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है, और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पर विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे।